हेलो यूट्यूब, मॉर्निंग एपिसोड हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नए और एट्रैक्टिव स्मार्टफोन की बात की जाए तो सैमसंग का नाम सबसे पहले याद आता है। अपनी पूरी गैलेक्सी रेंज की हेल्प से सैमसंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मेकिंग कंपनी बन गई है। भले ही कम्युनिकेशन के फील्ड में सैमसंग ने अपने मोबाइल लाकर रिवोल्यूशन ला दी है, लेकिन मोबाइल हैंडसेट उसका पहला प्रोडक्ट नहीं था। साउथ कोरिया की ये कंपनी 1938 में सिर्फ 40 लोगों के स्टाफ के साथ शुरू हुई थी। धीरे धीरे इन्होंने घरेलू प्रोडक्ट से लेकर सबसे बड़ी फ़ोन कंपनी बनाने तक का सफ़र सैमसंग ने आखिर तय कर ही लिया। आज ये कंपनी दुनिया के सबसे बड़ी फ़ोन मेकर कंपनी बन गई है। इसके बावजूद कंपनी से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जिनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो जुड़े हैं इस नंबर वन कंपनी से। सैमसंग कंपनी ने 1938 में 40 लोगों के साथ साउथ कोरिया में शुरू की थी। उस वक्त इसका सबसे अहम काम था ड्राई फिश एक्सपोर्ट करना। सैमसंग एक कोरिया वर्ड है जिसका इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब 3 स्टार होता है। सैमसंग ने अपनी कंपनी की शुरुआत सिर्फ 40 लोगों के साथ की थी, वही आज इस कंपनी में करीब 3,75,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं, जबकि एप्पल के पास सिर्फ 80,300 एम्प्लॉय ही काम करते हैं। सैमसंग कंपनी करीब 80 अलग अलग बिजनेसेस कर चुका है। 1960 में सैमसंग कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री शुरू की थी। आपको बता दें कि सैमसंग के 19% प्रोडक्ट्स खुद सैमसंग की ही फैक्ट्री में बनते हैं। 1970 में सैमसंग ने अपना पहला टेलीविजन बनाया था जो कि ब्लैक एंड व्हाइट था। 1988 में कंपनी ने अपना पहला फोन बनाया था, इसका नाम था SH100 मॉडल। बता दें कि ये एक कार फोन था जो कि कामयाब नहीं हो सका था। 1993 में सैमसंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप या रैम बनाने वाली कंपनी में से एक है। कुछ खबरों के मुताबिक एप्पल आईफोन 7 के लिए चिप भी सैमसंग कंपनी ने ही बनाई है। 2000 में सैमसंग ने अपना पहला कैमरा वाला फोन लॉन्च किया, उसका नाम था SCH V200। इस फोन पर 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया था। 27 अप्रैल 2009 को सैमसंग ने अपने पहले एंड्रॉयड फोन का अनाउंसमेंट किया था जो था GT17500। ये टच स्क्रीन था। इस फोन की बैटरी एवरेज थी। दुनिया का पहला 3D होम थिएटर 2010 में सैमसंग कंपनी ने ही लॉन्च किया था। सैमसंग कंपनी के चीफ को साल 2017 में राष्ट्रपति को रिश्वत देने के जुर्म में जेल भी हुई थी। आपको शायद ये मजाक लगे, लेकिन ये सच है कि सैमसंग कभी सब्जी, नूडल्स और मछली भी बेचा करता था। सैमसंग कंपनी को सक्सेस बनाने के पीछे फाउंडर बायुंगचुल का बहुत बड़ा हाथ है। बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और जो दुबई में है, इस टावर का काम भी सैमसंग कनेक्शन ने ही संभाला है। अब सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी टीवी और मोबाइल मेकर कंपनी है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सैमसंग के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइज, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगी वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरी IGTV वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।